की बात के जरिए कितने ही जन आंदोलन ने जन्म भी लिया है और गति भी पकड़ी है। जैसे हमारे खिलौने हमारी टॉय इंडस्ट्री को फिर से स्थापित करने का मिशन मन की बात से ही तो शुरू हुआ था। भारतीय नस्ल के श्वान हमारे देशी डॉग्स, उसको लेकर जागरूकता बढ़ाने की शुरुआत भी तो मन की बात से ही की थी। हमने एक और मुहिम शुरू की थी कि हम गरीब छोटे दुकानदारों से मोलभाव नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। जब हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हुई तब भी मन की बात ने देशवासियों को इस संकल्प से जोड़ने में खूब भूमिका निभाई। ऐसे हर उदाहरण समाज में बदलाव का कारण बने हैं। समाज को प्रेरित करने का ऐसे ही बीड़ा प्रदीप सांगवान जी ने भी उठा रखा है। मन की बात में हमने प्रदीप सांगवान जी की हीलिंग हिमालय अभियान की चर्चा की थी। वो फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। प्रदीप जी नमस्कार। सर जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद भैया, कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया, आपकी आवाज सुनकर और भी अच्छी। आपने हिमालय को हील करने को सोची? हाँ जी सर। अभियान भी चलाया। आजकल आपका कैंपेन कैसा चल रहा है? सर बहुत अच्छा चल रहा है। 2020 से ऐसा मानिए कि जितना काम हम 5 साल में करते थे अब वो 1 साल में ही हो जाता है। अरे वाह। हाँ जी, हाँ जी सर। शुरुआत बहुत नर्वस हुई थी, बहुत डर था इस बात को लेके कि जिंदगी भर ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर थोड़ा सपोर्ट मिला और 2020 तक हम बहुत स्ट्रगल भी कर रहे थे। ऑनेस्टली लोग बहुत कम जुड़ रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, हमारी मुहिम को इतना तवज्जो भी नहीं दे रहे थे। बट 2020 के बाद जब मन की बात में जिक्र हुआ उसके बाद बहुत सारी चीजें बदल गई। मतलब पहले हम साल में 6-7 क्लीनिंग ड्राइव कर पाते थे, 10 क्लीनिंग ड्राइव कर पाते थे, आज की डेट में हम डेली बेसिस पे 5 टन कचरा इकट्ठा करते हैं अलग अलग लोकेशन से। अरे वाह। मन की बात में जिक्र होने के बाद आप सर बिलीव करें मेरी बात को कि मैं ऑलमोस्ट गिवअप करने की स्टेज पे था एक टाइम पे, और उसके बाद फिर बहुत सारा बदलाव आया मेरे जीवन में और चीजें इतनी स्पीड अप हो गई कि जो चीजें हमने सोची नहीं थी। सो आई एम रियली थैंकफुल कि पता नहीं कैसे हमारे जैसे लोगों को आप ढूंढ लेते हैं। कौन इतनी दूर दराज एरिया में काम करता है, हिमालय किस क्षेत्र में जाके बैठ के हम काम कर रहे हैं, सोल्टीट्यूड पे काम कर रहे हैं, वहां पे आपने ढूंढा हमें, हमारे काम को दुनिया के सामने लेके आए। तो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था तब भी और आज भी कि मैं हमारे देश के जो प्रथम सेवक हैं उनसे मैं बातचीत कर पा रहा हूँ। मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। प्रदीप जी, आप तो हिमालय के चोटियों पर सच्चे अर्थ में साधना कर रहे हैं और मुझे पक्का विश्वास है अब आपका नाम सुनते ही लोगों को याद आ जाता है कि आप कैसे पहाड़ों की स्वच्छता अभियान में जुड़े हैं। हाँ जी सर। और जैसा आपने बताया कि अब तो बहुत बड़ी टीम बनती जा रही है और आप इतनी बड़ी मात्रा में डेली काम कर रहे हैं। हाँ जी सर। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इन प्रयासों से, उसकी चर्चा से अब तो कितने ही पर्वतारोही स्वच्छता से जुड़े फोटो पोस्ट करने लगे हैं। हाँ जी सर, बहुत। ये अच्छी बात है, आप जैसे साथियों के प्रयास के कारण वेस्ट इज ऑल्सो ए वेल्थ, ये लोगों के दिमाग में अब स्थिर हो रहा है और पर्यावरण की भी रक्षा हो रही है और हिमालय का जो हमारा गर्व है उसको संभालना संवारना वो सामान्य मानवी जुड़ रहा है। प्रदीप जी बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद। साथियों, आज देश में टूरिज्म बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है।